गेस्ट को भी इनवाइट कर लेती हूँ फिर जब तक. आज ऐसा हो रहा है कि हीरोइंस को तैयार होने में कम टाइम लगा, हीरो ज्यादा टाइम लगा रहे क्योंकि वो ज्यादा लेट हो रहे हैं. अब जिस हीरोइन को मैं बुला रही हूँ जनाब, आपके आपने उनके ड्रामे देखे होंगे और उनके ड्रामे वो वाली बात है कि उस जमाने में हम ये कहा करते थे, चाहे रुबीना आपा के ड्रामे हो या जो मैं अब हीरोइन बुला रही हूँ उनके ड्रामे हो, सड़कें खाली हो जाया करती थी. लिटरली मैंने अपनी आंखों से सड़कें खाली होते हुए देखी हैं वो जमाने. मतलब खैर उस वक्त गाड़ियाँ भी कम होती होंगी. नहीं, सड़कें एक्चुअली खाली हो जाती थी. हाँ, हाँ. अभी तो गाड़ियाँ एक एक घर में दो दो तीन तीन आ गई, वरना उस वक्त लिटरली जो कहते हैं ना जबानी कहते हैं, वो जबानी बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सड़कें खाली होते हुए कि एक सर्टन ड्रामा आ रहा होता था तो वो सड़कें खाली हो जाती थी, लोग शादियों में देर से पहुंचते थे, किसी भी इवेंट पे देर से पहुंचते थे, वो ड्रामा उन्होंने देखना होता था. सो वही वाली बात, अगर आपको आपको मैं सिर्फ नाम भी नहीं लूँगी, आपको ड्रामों का नाम लूँगी, जांगलूज और अपना आँच, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ. जी कल की हीरोइन और आज की धांसू अम्मा, वेलकम टू शगुफ्ता एजाज. ये तो देखे रिवर्स गियर. हेलो हेलो, क्या हाल? मैं इनको अभी यही कह रही थी ब्रेक से पहले, मैंने कहा ये आप पुरा, हमने इकट्ठे किसी ड्रामे में काम किया था, मैंने कहा आप वो वाली लग रही है मुझे. ये रिलैक्स चिल हो गई है. हाँ वाकई वो फेज होता है ना जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चों हाँ. की शादियां हो गई, अब दो छोटे छोटे लगता है मैं उनकी अम्मा हूँ बस. तो वो एंजॉय कर रही हूँ. आपको याद है आपकी सर फहरिस्त, आपके कौन कौन से हीरोज के साथ आपने काम किया है? हाँ, मैंने शफी साहब, हाँ वो तो कोई नहीं भूल सकता पूरी दुनिया में. और उसके बाद शबीर जान, हुमायूं सईद के साथ भी एक सीरियल किया था मैंने. हाँ. फैसल कुरैशी के साथ किया था और नुमान एजाज के हाँ. साथ बहुत हाँ. दो चार सीरियल नुमान एजाज के साथ भी थे. तो मेनली यही हाँ. ये हाँ. इन लोगों के साथ हाँ, काम, इन लोगों के साथ काम. ये मुझे कह रही हुमायूं सईद के साथ ही किया. कोई बात नहीं. क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आदमी देर तक हीरो आते रहते हैं? ऐसा होता है ना कि नहीं? मतलब आपकी मर्जी है. हाँ, हाँ नहीं मर्जी हाँ. नहीं है, तो ये होता है, खवातीन ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं अपने ऊपर. तो आपको क्या लगता है कि वो जमाना जिसमें कम कम आप ड्रामे करते थे वो ज्यादा अच्छा था या अभी आप हर वक्त बिजी होते हैं? अभी अच्छा है जाहिर है, ज्यादा कुछ हवाले से वो अच्छा था. बिकॉज काम कम होता था तो कॉन्टेंट पे फोकस होता था, स्क्रिप्ट पे देखा ज्यादा जाता था, एक ही चैनल था. लेकिन अब चूंकि काम ज्यादा है तो देर आर अदर एस्पेक्ट्स पे, सोशल मीडिया है, एक्सपोजर ज्यादा है, लोग ज्यादा देखते हैं, प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल गए हैं. तो आई थिंक कुछ हवालों से वो बेहतर था, काम के हवाले से क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा कंडेंस्ड और अच्छा काम होता था. अब अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें अब हालात बेहतर हैं. अगर हम एक्सपोजर की बात करें अब बेहतर हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया है. तो अगर आप सोशल मीडिया के स्टार हैं तो आप टीवी के भी स्टार हैं. ये हुआ है, मतलब टिकटॉक स्टार्स फिल्म की हीरोइन बन रही है. तो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये किया ना. अब वही वाली बात है कि अब वो किसी भी चैनल के बाहर खड़े नहीं रहना पड़ता. हाँ, एक्सप्लोर करना आसान हो गया. हाँ बिल्कुल. और अपने आप को मनवाना थोड़ के लिए प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए. तो वो जूते नहीं घिसते जो हमारे टाइम में होते थे ना एक्टर्स के. इतने लेजेंड्स जो हैं, जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमारे, हमने वहाँ टीवी के चक्कर लगा लगा के लिटरली हमारे जूते घिसे. ओह माय गॉड. सो आइए जरा हीरोज को भी बुला के पूछते हैं उन्होंने. बुलाएं जरा उन्हें, बुलाएं लेट कमर्स को, लेट कमर्स को, और बुलाएं जरा बेंच पे खड़ा करें. Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.